हाँ नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख घाटियों के बारे में। इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में प्रमुख घाटियों के बारे में। दरअसल ये वीडियो हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में फिजिकल डिवीजन, जिसमें हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम बात कर रहे थे हिमालयी क्षेत्र की, तो उसमें हिमालयी क्षेत्र में इससे पहले मैंने प्रमुख दर्रे, प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख घाटियों के बारे में। घाटियाँ दरअसल बात करेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अभी घाटियाँ होती क्या हैं? घाटियाँ पर्वतों का निचला स्थान होता है। घाटियाँ नदियों के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं, और दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है, जो उनको हम घाटी कहते हैं। जब अपनति अभिनति आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए अपनति होता है, अभिनत होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और ये पर्वत है, तो ये पर्वत है ये पर्वत के बीच के जो क्षेत्र होता है घाटी होता है। घाटी कई तरीके की हो सकती हैं। घाटी नदियों के द्वारा भी बनाई जा सकती है, मतलब कि जैसे नदियों के अपरदनात्मक स्वरूप घाटियाँ बन जाती हैं। और एक होती है जो ग्लेशियरों के अपरदन की, जैसे यू आकार घाटी जो बनती है वो ग्लेशियर के द्वारा, और वी आकार घाटी नदियों के द्वारा। और घाटियाँ भ्रंश जो होती हैं उनसे घाटियाँ बन सकती हैं, और भी कई तरीके की घाटियाँ होती हैं। रिफ्ट वैली जिनको बोलते हैं, जो भ्रंशों की वजह से बन जाती हैं। किसी भूखंड के दूर जाने से भी एक हिस्सा जो होता है वो नीचे धंस जाता है, इसकी वजह से घाटियाँ बन जाती हैं। इसे भ्रंश घाटी घाटी जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली की हम बात करते हैं। और जो हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ हैं वो अपनत अभिनत वाली ये घाटियाँ हैं, और बहुत सारी इसमें घाटियाँ नदियों के द्वारा भी बनाई गई हैं, नदी घाटी और ऐसी घाटियाँ। हालांकि घाटियाँ उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बहुत सी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्र की घाटियों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे, जो जब हम दक्षिण भारत की चर्चा करेंगे तो उसमें हम दक्षिण भारत की घाटियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी घाटियाँ जो है वो दक्षिण भारत में। हालांकि इसमें बेसिक रूप से जो घाटियाँ होंगी उनके बारे में बता देंगे, लेकिन मैप में उनके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से। इस तरफ की घाटियाँ जितनी सारी वो जम्मू कश्मीर की, इधर की सारी जो है वो लद्दाख की हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो घाटियाँ कौन कौन सी हैं। अब दरअसल मैं बता दूं कि जैसे हिमालय की श्रेणियाँ हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में जो है वो बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक है। तो जो घाटियाँ हमें देखने को मिलती है, ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बृहद हो गया और मध्य हो गया। ट्रांस और मध्य के बीच में, ट्रांस और बृहद, बृहद और मध्य के बीच में घाटियाँ हमें ये देखने को मिलती है। क्योंकि श्रेणियाँ अगर जो हम एक तो श्रेणियाँ वैसे तो सीधी सीधी, अगर जिनको हम इस तरीके से देखेंगे तो ये ट्रांस हो गई, ये बृहद हो गई, ये मध्य हो गई, इसके बाद शिवालिक हो गई। तो इनके बीच में भी घाटियाँ हमें देखने को मिलती है, इसमें बहुत सारे कोई टूरिस्ट प्लेस हैं इस तरीके के आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ हैं उसमें बंगस घाटी, बेताब घाटी, लोलाब घाटी और कश्मीर घाटी, जिसमें श्रीनगर का एरिया आता है वो कश्मीर घाटी है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से जुड़ी हुई, बनिहाल दर्रे से जम्मू से जुड़ी हुई कश्मीर घाटी, जय घाटी, गुरेज घाटी और भाल पदरी घाटी, लीपा घाटी, इतनी सारी जो घाटियाँ वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन कौन सी? बंगस घाटी, बेताब, लोलाब, कश्मीर घाटी, जय घाटी, गुरेज घाटी, भाल पदरी घाटी, लीपा घाटी, ये सभी कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख के क्षेत्र में बात करेंगे तो मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, दय हनु घाटी, दय हनु घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, ये भी सब लद्दाख के क्षेत्र में है। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, लद्दाख के क्षेत्र में। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ स्थित हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, पांगी किन्नौर दोनों इंपॉर्टेंट, पार्वती से प्रश्न आते हैं। अब इसमें और देखेंगे तो कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, इसमें चंद्रभागा नदियाँ इसी से होते हुए बहती हैं, स्पीति घाटी, ये ताबो नाम का बौद्ध मठ कहाँ पर है? ये स्पीति घाटी में, ये ताबो जो कहाँ पर है, ताबू नाम का बौद्ध मठ कहाँ है? ये स्पीति घाटी में। फिर एक देखेंगे तो मालना घाटी, जिसको छोटा यूनान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान मालना घाटी को बोलते हैं। इसमें ग्लास घाटी भी है, हब्बन घाटी भी है, खराहल घाटी भी है, कुनिहार घाटी भी है, इतनी सारी घाटियाँ यहाँ पर हैं। देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, चंद्रभागा नदियाँ इसी से, स्पीति घाटी में ताबो बौद्ध मठ है, मालना घाटी छोटा यूनान बोलते हैं, ग्लास घाटी, हब्बन घाटी, खराहल घाटी और कुनिहार घाटी, इतनी सारी घाटियाँ हैं। और पार्वती, किन्नौर और पांगी, ये भी सब कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पांगी से प्रश्न पूछा गया। बाकी और देखेंगे उत्तराखंड में सौर घाटी, निलांग घाटी और कौन कौन सी? दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, देखिए जोहार दो बार हो गया है, भुइंदर घाटी, धर्मा घाटी या धर्मा कहीं कहीं लिखा है, धर्मा या धर्मा जो भी है आप यहाँ देखिएगा, और दून घाटी, देहरादून वाला एरिया, दून घाटी यहाँ पर स्थित है। इस तरीके से उत्तराखंड में कौन कौन सी? सौर घाटी, निलांग घाटी, दून घाटी, जोहर घाटी, दो बार हो गया, फूलों घाटी, भुइंदर घाटी, धर्मा घाटी, दून घाटी,
इतनी सारी कहाँ उत्तराखंड में, सारी घाटियाँ कहाँ पर उत्तराखंड में स्थित हैं। और जब हम इसमें देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा सिक्किम के क्षेत्र में, सिक्किम के क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर नथांग घाटी, और नथांग घाटी युमथांग घाटी, नथांग और युमथांग, नथांग और युमथांग दो घाटियाँ यहाँ पर हैं, दोनों जो हैं वो सिक्किम में हैं। और यहीं पर एक न्योरा घाटी दार्जिलिंग मतलब कि वेस्ट बंगाल में है। कौन सी? न्योरा घाटी, न्योरा दार्जिलिंग के क्षेत्र में है। यहाँ पर एक चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी जो है वो सिक्किम और भूटान के बीच में है, और सिक्किम भूटान के बीच में चीन के एरिया में पड़ती है चुंबी घाटी, चाइना में। तो सिक्किम और भूटान के बीच में एक मध्यवर्ती जो वी शेप का एरिया बनता है उसमें ये घाटी स्थित है, जिसको बोलते हैं चुंबी घाटी। कहाँ पर है? चाइना में ये स्थित है, इसको भी याद रखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर हमें तवांग दिखेगी, तवांग, दिहांग और लोहित, तीन घाटियाँ यहाँ पर कहाँ पर, तीनों घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों घाटियाँ स्थित हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तीनों घाटों को याद रखिएगा। एक यहाँ की और फेमस घाटी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एक हिमाचल प्रदेश यहाँ यहीं की एक काफ़ी फेमस घाटी, इसको बोलते हैं जीरो वैली। कौन सी? जीरो वैली जो है वो यहीं पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। जीरो वैली, जीरो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जीरो, जीरो घाटी भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती जीरो घाटी। और नागालैंड में देखेंगे तो जोकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाली ये मणिपुर है, एमपी लिखा हुआ है, मणिपुर है, मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी? काबा घाटी है। कहाँ पर है? काबा घाटी कहाँ है? मणिपुर में। और नागालैंड में जोकू घाटी, मेघालय में हैप्पी घाटी है, हैप्पी वैली बोलते हैं उसको। अब और भी, संधन घाटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ती है। पाताल लोक घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एरिया में है, जिसको बोलते हैं अराकू घाटी। शांत घाटी केरल में, जानी रहे। कंबन घाटी तमिलनाडु में है। केट्टी घाटी भी तमिलनाडु में ही है, केट्टी, कंबन। केट्टी में ऊटी का क्षेत्र वाला जो एरिया है वो कंबन, केट्टी घाटी उसी में ही क्षेत्र में स्थित है, ऊटी का एरिया केट्टी घाटी में ही है। कंबन घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, पाताल लोक घाटी मध्य प्रदेश, संधन घाटी महाराष्ट्र में है। बाकी इधर की जो घाटियां मैंने बताया उनको देख लीजिएगा। बाकी इस तरफ हम देखेंगे तो इसमें से देखिए कुछ जो है वो तो आप पहले से पढ़े हुए होते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पर है। उसमें से जैसे हो गई मूर्खा घाटी, हो गई नुब्रा, हो गई सुरू, हो गई जैसे दनहनु, नहीं पढ़े हो गए दहनु, शायद ना पढ़े हो आप इसको, याद रखिएगा। जैसे बेताब हो गई, लोलाब हो गई, कश्मीर आप जान ही रहे हैं, गुरेज घाटी आप पढ़ते रहे होंगे, कई बार ऐसे सुनने में आता रहता गुरेज घाटी। तो बाकी कुल्लू घाटी जानी है, सांगला, चंबा, लाहौल स्पीति, मालना घाटी, और इसमें ग्लास घाटी भी याद रखिएगा, और ये पांगी घाटी याद रख लीजिएगा, और ये पार्वती घाटी भी है। सौर घाटी, निलौंग घाटी दोनों कहाँ पर? उत्तराखंड में। दून, जोहार, फूलों घाटी, भुइंदर घाटी, धर्मा, धर्मा पे प्रश्न आता है, धर्मा याद रखिएगा, धर्मा या धर्मा दून जानी रहे। मेघालय की हैप्पी वैली, नथांग और युमथांग घाटी, चुंबी घाटी जानी रहे, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इससे पहले, यहाँ से होते हुए कहाँ मानसरोवर की यात्रा के लोग जाते हैं, चाइना की तरफ रास्ता जाता है इसी चुंबी घाटी से होते हुए। अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी, तवांग, दिहांग, लोहित, ये सब देख रहे होंगे। तवांग घाटी जो है यहीं पर दिबांग भी है, लोहित भी, जैसे होते हुए नदियों के नाम पर पड़ी हैं घाटियाँ। और जुकू घाटी नागालैंड में ये इंपॉर्टेंट है, काबा घाटी मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। इधर तरफ देखेंगे तो पाताल लोक घाटी, अराकू घाटी, शांत घाटी, कंबन, केट्टी, इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लिख सब लीजिएगा, परीक्षा में हो सकता है इससे किसी से कैसा प्रश्न आ जाए, वो परीक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ भी आ सकता है। आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, जो सामान्य अध्ययन था वो सामान्य का स्तर जो है और बढ़ चुका है, और उसमें क्या हो रहा है कि आपको जो बेसिक क्वेश्चन थे वो नहीं आ रहे हैं, एक लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए आपको हर क्षेत्र में थोड़ा सा अपने नॉलेज को भी बढ़ाना होगा। उसी क्रम में जैसे घाटियाँ पूछी जाती हैं तो उसमें आप थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट करिए और अप टू डेट रहिए, ताकि जो भी अगर जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो इनसे कर लीजिए। घाटियाँ इतनी सारी मैंने बताई हैं, आप एक मैप बनाकर करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मानचित्र से पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि मानचित्र जब सामने होता है तो आप उसको याद नहीं करते, आप एक देखते हैं आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है उसको लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।